छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से गुजर रही है जिसका विश्व के अर्थव्यवस्था पर भयावह प्रभाव पड़ा है और विश्व के साथ साथ खासकर उन लोगों पर इनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला जो रोज रोजी रोटी कमा के अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जो रोज कमाओ रोज खाओ की जिंदगी जीते हैं, उनके जनजीवन पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, जिसको लेकर भारत सरकार इस अर्थव्यवस्था की स्थिति को वापस पटरी पर लाने के लिए भरकस प्रयास कर रही है, जिसे गरीब मजदूर की रोजी रोटी चलता रहे और देश की अर्थव्यवस्था भी कायम रहे। लेकिन कुछ सुस्त रवैये और उदासीनता वाले अधिकारी कर्मचारी के कारण मजदूर को उनकी मजदूरी की राशि नहीं मिल पा रही। मजदूर पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। एक तरफ पूरी विश्व कोरोना जैसे महामारी संकट से जूझ रही, वहीं लोगों को रोजगार भी नहीं पाला, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यदि लोगों को रोजगार मिल पा रही है तो जो रोजगार है उनकी भुगतान नहीं हो पा रहे। हम पहुंचे हैं नवगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुआं, जहाँ पे तालाब घरीकरण का कार्य और नहर का कार्य जारी है, लेकिन इसमें अभी तक लोगों को करीब से करीब 50 से 60 दिन की जो मजदूरी है वो अभी तक नहीं मिल पा रही। इसमें मजदूर कम से कम 30 से 40 मजदूर हैं जो पैसे की भुगतान के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुआं का है, जहां लॉकडाउन के समय में मजदूरों की रोजी रोटी के लिए सरकार तालाब निर्माण का काम चालू किया था, जिसमें कम से कम 40 से 50 मजदूर काम कर रहे थे, जो लगभग 3 महीना काम किए, जिसमें एक ही हफ्ते का राशि भुगतान किया गया, बाकी शेष राशि अभी तक भुगतान नहीं किया गया, जिनको लेकर मजदूरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बेमेतरा कलेक्टर मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत CEO रीता यादव को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर मजदूर काफ़ी परेशान हैं और कर्ज करके अपनी जीवन चलाने पर मजबूर हैं। इस मामले पर जब हमारे संवाददाता ने जिला पंचायत CEO रीता यादव से बात करना चाहा, तो रीता यादव ने फोन रिसीव नहीं किया। अब ये सरकार और उनके कर्मचारियों के सुस्त रवैये को प्रदर्शित कर रही कि सरकार मजदूरों के लिए कितना काम कर रहे हैं। समस्या ये कि बांध में काम किए है वो अभी तक मिला नहीं है परमानेंट, और सबका तो जरूरी है, मतलब रोजी रोटी काम किए हैं वो मिला नहीं है अभी तक। कितने मजदूर थे? मजदूर तो 60-65 चल रहे थे रोज प्रतिदिन। तो कितना दिन का पेमेंट बाकी है अभी? ये 40 से 50 दिन तक। क्या चाहते हो आप लोग? यही चाहते हैं कि मजदूरी हमारा मिल जाए। ये बांध में काम सरातरी से बांध के पैसा नहीं मिल पाते हैं। हमन तो सरकार से ही चाहते हैं कि हमारा पेमेंट पहुँचाए हमारे तक। बस और कुछ नहीं। कतेक दिन के पेमेंट बाकी? करीब करीब 40-50 दिन के आसपास है। कतेक मजदूर? 60-65 मजदूर। ये हमारे समस्या यही है कि हमन ला जेन अभी ये बांध बनाते हैं हमारे ग्राम कुआं में, जेमा हमन मजदूरी करें कम से कम 40-50 मिस्त्री से लेके वर्कर मजदूरी जिन करे हन, तेखर हमला मजदूरी पैसा आज तक नहीं मिले। ये हमला सबसे बड़े मतलब हमारे लिए ये परेशानी के दौर है अभी। तो क्या चाहता आप मन? हम यही चाहते हैं भाई हमला पेमेंट मिले, हमारे मजदूरी जेन करें तेन मतलब काबर की जतेक भी ये लॉकडाउन में सब जाना था, न कोई दुकानदारी खुलिस, न कोई हमन बाहर जाके काम कर सकें। हमला तो ये खुशी रही कि हमारे गाँव में चलो लॉकडाउन में हमला काम मिला थे, है नहीं? तो वो लॉकडाउन में हमन जिन काम करें तेन कम से कम पैसा मिलना चाहिए। एक दूसरे के जिन हर प्रकार के परेशानी खाए के पिए के सूजी ले पानी ले सारा बहुत सारा समस्या है हमारे लिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे मजदूरी